जय जग जननी आदि भवानी, जय महिषासुर मारिणी मां, उमा रमा गौरी ब्रह्माणी, जय त्रिभुवन सुख कारिणी मां। हे महालक्ष्मी, हे महामाया, तुम में सारा जगत समाया। तीन रूप तीनों गुण धारिणी, तीन काल त्रैलोक बिहारिणी। जय माता दी मित्रों, इस दिन से शुरू हो रही है चैत्र नवरात्रि, जाने घटस्थापना विधि और मुहूर्त। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि कब से है, क्या शुभ मुहूर्त है और नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में चार नवरात्रि मनाई जाती है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा दो गुप्त नवरात्रि होती हैं। नवरात्रि पर माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा अर्चना होती है। जल्द ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाएगी। नवरात्रि का महापर्व देश भर में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। माँ दुर्गा को सुख और समृद्धि की देवी कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने और पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से वो अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि के दिनों में लोग अपने घर में अखंड ज्योति जलाते हैं और इन नौ दिनों में माँ के नौ स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना का भी विधान है। ऐसे में इस साल नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है, चलिए जानते हैं। चैत्र नवरात्रि तिथि और मुहूर्त। इस साल चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 21 मार्च को रात 10:52 से होगी। अगले दिन 22 मार्च 2023 को रात 8:20 पर इस तिथि का समापन भी होगा। वहीं उदया तिथि के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च 2023 से होगी। घटस्थापना कलश स्थापना मुहूर्त। 22 मार्च को प्रतिपदा तिथि सुबह 8:20 तक ही है। ऐसे में 8 बजे से पहले ही घट स्थापना यानी कलश स्थापना हो जानी चाहिए। 22 मार्च को कलश स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:29 से सुबह 7:39 तक है। पूर्ण अवधि 1 घंटा 10 मिनट है। नवरात्रि संपूर्ण पूजन। 22 मार्च नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री पूजा घटस्थापना कलश स्थापना। 23 मार्च नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। 24 मार्च नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा पूजा। 25 मार्च नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा पूजा। 26 मार्च नवरात्रि का पांचवा दिन मां स्कंदमाता पूजा। 27 मार्च नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी पूजा। 28 मार्च नवरात्रि का सातवां दिन मां कालरात्रि पूजा। 29 मार्च नवरात्रि का आठवां दिन मां महागौरी पूजा। 30 मार्च नवमी तिथि नवमी मां सिद्धिदात्री पूजा रामनवमी। अगला है घटस्थापना पूजा विधि। सबसे पहले प्रतिपदा तिथि पर सुबह जल्दी स्नान करके पूजा का संकल्प लें। फिर इसके बाद पूजा स्थल की सजावट करें और चौकी रखें जहां पर कलश में जल भरकर रखें। इसके बाद कलश को कलावा से लपेट दें। फिर कलश के ऊपर आम और अशोक के पत्ते रखें। इसके बाद नारियल को लाल कपड़े से लपटे कर कलश के ऊपर रख दें। इसके बाद धूप दीप जलाकर मां दुर्गा का आवाहन करें और शास्त्रों में मां दुर्गा के पूजा उपासना की बताई गई विधि से पूजा प्रारंभ करें। नवरात्रि में क्या करें और क्या न करें, पूजा के दौरान इन बातों का रखें खास ध्यान। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है और इस दौरान 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न रूपों का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि यदि इस दौरान मां भक्तों से प्रसन्न हो जाएं, तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अगर आप भी मां दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो नवरात्रि के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या करें और क्या न करें। नवरात्रि में क्या करें, नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि मां दुर्गा का पूजन सुबह और शाम दोनों समय विधि विधान से करना चाहिए, साथ ही मां दुर्गा की आरती भी करें।
पूजा करते समय दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करना चाहिए। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और जातकों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अगर आप 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि चारपाई या बेड के बजाय जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोएं। नवरात्रि में सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो इस शुद्ध विचार और अच्छे कर्म करने चाहिए। नवरात्रि में क्या न करें? ध्यान रखें कि नवरात्रि में मांसाहार और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन में लहसुन प्याज भी शामिल है। नवरात्रि के दौरान शराब पान और गुटखा आदि का भी सेवन करना निषेध होता है। यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि का व्रत करता है तो उसे ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। ऐसा न करने से व्रत भंग हो सकता है। नवरात्रि में दाढ़ी मूछ नहीं बनवाने चाहिए और न ही नाखून काटने चाहिए। नवरात्रि में मनुष्य को गलत विचार व सोच नहीं रखनी चाहिए। ध्यान रखें कि इस दौरान किसी महिला का भी अपमान करना पाप होता है। मन की विचार में शुद्धता अवश्य रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने कर्म व विचार अच्छे रखें। माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहेगा। अगर आप सच में माँ दुर्गा को मानते हैं तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करें। हमें प्रोत्साहन मिलेगा। अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हे माँ दुर्गे, जो भी मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, आप उनके घर में कभी धन की कमी मत होने देना और हमेशा आप अपनी कृपा उन पर बनाए रखना।